हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग वेलकम टू टेक्स बुक बैंकिंग कैसे हो आप सब लोग चलो तो आज बात करनी है शुरुआत करनी करंट अफेयर्स के लेक्चर को वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल सुपर कोचिंग स्टार्ट हो चुका है सुपर कोचिंग के अंदर अलग अलग सेशंस भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं मोस्टली uh, आज से या कल से uh, हम लोग एक नया सेशन सुपर कोचिंग में स्टार्ट करने वाले हैं uh, जनरल अवेयरनेस के बेसिक्स को लेके जनरल अवेयरनेस के जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारी क्वेरीज बहुत सारे डाउट्स होते हैं तो उनका लाइव सेशन मैं ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ uh, सुपर कोचिंग की हमारी पेड़ बैचेस के अंदर तो सेपरेट सेशन रहेगा जहाँ पे केवल और केवल अगर आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना है तो आप आ सकते हो उसकी जानकारी मैं आपको थोड़ी देर से देने वाला हूँ प्लस इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अ टेस्ट बुक पास टेक्स बुक पास के थ्रू आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज देनी होगी 550 प्लस एग्जाम की टेस्ट सीरीज हमारे पास अवेलेबल है तो ये कोड यूज कीजिएगा आपको 374 के ऊपर टेन परसेंट का ऑफ मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है सो यू कैन यूज दिस कोड इसको यूज करना मत भूलिए चलो गाइज आज डायरेक्टली न्यूज से स्टार्ट करते हैं आज डायरेक्टली न्यूज से शुरुआत करेंगे बिकॉज हमें बहुत सारी न्यूज कवर करनी है आप मेरे बैकग्राउंड में जो इमेज देख रहे हो ये इमेज आपको ऑलरेडी पता होगी वेब वेब जेम्स जो है, उसके द्वारा एक बेहतरीन सा इमेज कैप्चर किया गया है और उसी के बारे में कल नासा ने इसको पब्लिश किया जो बाइडेन साहब जो यूएस के प्रेसिडेंट है उनके द्वारा ये इमेज पब्लिश की गई सो बर्थ ऑफ द स्टार ये यहां पे आपको दिख रहा होगा चलो एक काम करते एक और नासा के इमेज के ऊपर बात करते जो इमेज उन्होंने रिलीज की थी सो उसके ऊपर भी एक बार डिस्कशन कर लेंगे यस आप देख सकते हो यहां पे सो वेब टेलीस्कोप का ये इंफ्रा इमेज है जो आपके सामने यहाँ पे है सो दिस इज ब्यूटीफुल इमेज बस छोटा सा पार्ट है हमारे गैलेक्सी का बट इतना खूबसूरत सा इमेज उन्होंने कैप्चर किया हुआ है हाई क्वालिटी इमेज जो जिसकी बात काफी चल रही है तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस भी बहुत सारे वहां पे पूछ सकते हैं कि ये टेलीस्कोप एग्जैक्टली exactly किसने क्रिएट किया कब लॉन्च किया गया इस टेलीस्कोप को क्रिएट करने के लिए कौन कौन लोग इन्वॉल्व है सो एवरी एवरीथिंग दे आर गोइंग टू आस्क यू सो थोड़ा एक बार बात कर लेते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये दुनिया का मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप है ऐसा माना जाता है तो इसलिए इन्होंने डीपेस्ट एंड शार्पेस्ट इंफ्रारेड इमेज जो रिसेंटली कैप्चर की जो फोटो मैंने आपको दिखाया वो उन्हीं इमेजेस का था विच आई हैव शोन टू तो यू आ, आज गूगल पे भी वही चल रहा है गूगल डूडल अगर आपने देखा होगा तो वहां पे भी वही सारी चीजें दिखाई जा रही है सो ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल इमेज इन द प्रेजेंट सिनारियो सो ये पहला इमेज है जो व्हाइट हाउस में रिलीज किया गया एक काम करते जेम्स वेब टेलीस्कोप के ऊपर एक बार बात कर लेंगे बिकॉज वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ध्यान दीजिएगा जेम्स वेब इंटरनेशनल प्रोग्राम ये नासा ने स्टार्ट किया जहां पे उनके दो पार्टनर्स है एक है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और दूसरा है कैनेडियन स्पेस एजेंसी यहां पे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है 2021 में इसको लॉन्च किया गया यहां पे रॉकेट का भी नाम है और फ्रेंच गा से इसको लॉन्च किया गया एंड विच इज बाय द नासा सो द अनदर पॉइंट विच दे कैन आस फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात की अगेन इमेज के ऊपर हमने बात की थी एक इमेज मैंने यहां पे आपको दिखा दिया जो uh, काफी ज्यादा गूगल पे चल रहा है काफी ये द हिंदू का है यू कैन सी पे आपको द हिंदू दिख जाएगा द हिंदू न्यूज ने जो इमेज दी वो एज इट इज आपके लिए लेके आ गया प्लस हमने नासा के के वेबसाइट ऊपर एक आ, जो, एक जो जो छोटा सा आ, जो, इन, आ, इमेज का पार्ट था वो भी हमने कवर कर लिया वो भी हमने यहाँ पे देख लिया सो दैट विल बी इनफ फॉर यू जो बाइडन साहब के हाथों से इनोग्रेट किया गया ध्यान रखिएगा सो नासा का जेम्स वेब जो मिशन है उसमें और कौन कौन पार्टनर्स है ये भी पॉइंट हमने यहाँ पे कवर कर लिया चलो सो दैट इज अबाउट द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज अब आगे बढ़ते एक और न्यूज हमें कवर करनी है वो भी इंटरनेशनल एंगल की इंडिया के एंगल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट ऑवियस इन एसोसिएशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑर्गेनाइज वन डे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन डिजिटल एग्रीकल्चर ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि रिसेंटली डिजिटल एग्रीकल्चर का वन डे यहां पर कंसल्टेशन प्रोग्राम किसने ऑर्गेनाइज किया था या इस प्रोग्राम में कौन कौन इन्वॉल्व था इसमें नीति आयोग कहीं भी नहीं है इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर साहब कौन है जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्लॉज श्वेब साहब आपको याद होगा याद होंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जब बात की जाती है तो ये ओपन फोरम है जहां पे गवर्नमेंट्स के अलावा प्राइवेट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो इनके द्वारा ये वन डे कंसल्टेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया जाए उसमें स्टार्टअप कंपनियां होगी कोई बड़े इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनीज होगी या फिर इवन फार्मर्स है इन सब के लिए यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था तो याद रखिएगा क्वेश्चन पे आपको पूछ सकते हैं एग्जैक्टली ऑर्गेनाइज बाय मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं uh, यहाँ पे यहां पे मेन फोकस क्या था डिलीवरी ऑफ डिजिटल एंड हाईटेक सर्विसेज टू फार्मर्स विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर रिसर्च एक्सटेंशन इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद ट एग्रीटेक प्लेयर्स स्टेक होल्डर्स एंड एग्री वैल्यू चेन सो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर हाई टेक्नोलॉजी सर्विसेस डिजिटल तरीके से या एग्रीटेक कंपनी होती है जैसे फिनटेक कंपनी की बात होती है वैसे एग्रीटेक कंपनीज को भी डेवलप करने के लिए यह किया गया था सो so, मनोज आहूजा सर सेक्रेटरी है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट के उन्हीं के द्वारा आ, इन्होंने इसको चेयर किया और उनके द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई ध्यान रखेगा यहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन्वॉल्व है ये सबसे मेन पॉइंट रहेगा हमारी एग्जाम के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर की सर्विसेस को डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड uh, करने के लिए या सप्लाई करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था अलग अलग थिंक टैंक थी फाउंडेशन थे फार्मर्स के uh, जो ग्रुप होते हैं उन्होंने यहां पे इन्वॉल्वमेंट दिखाई थी स्टार्टअप कंपनियों ने यहां पे इन्वॉल्वमेंट दिखाया था सो मल्टीपल पीपल के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करेंगे 1971 में क्रिएट किया किया गया जैसे मैंने आपको मेंशन था स्विट्जरलैंड में उसका है एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज अ ओपन ऑर्गेनाइजेशन ओपन का मतलब बेसिकली क्या होता है वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ या एडीबी ब्रिक्स की जब बात करते हैं तो वो इंटर गवर्नमेंटल है वहां पे रिस्पेक्ट टू कंट्रीज की गवर्नमेंट जाएगी मेंबर कंट्रीज की गवर्नमेंट जाएगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसा फोरम है जहां पे उस कंट्री के गवर्नमेंट के अलावा बाकी भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कॉन्फ्रेंस होता है दावोस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगा के लास्ट टाइम हुआ था पीयूष गोयल साहब इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे तो दावोस जैसी कॉन्फ्रेंसिस के अंदर द एनी प्राइवेट अथॉरिटी कैन आल्सो पार्टिसिपेट एनजीओ कैन पार्टिसिपेट एंड दैट्स दिस फोरम इज वन ऑफ द वेरी फेमस रिसेंटली इसी फोरम द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया था इंडिया कैन बी द प्लेस ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपको याद होगा लास्ट टाइम मोदी साहब ने भी आ, इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के स्टेटमेंट का रेफरेंस लेके बात की थी कि इंडिया इज द और इंडिया कैन बिकम द द प्लेस फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो ये भी एक पॉइंट याद रखेगा इन्हीं के द्वारा ये पॉइंट मेंशन किया गया था यस uh, yes, क्या हो गया यस yes, हेलो uh, मेरी आवाज आ रही है आपको मेरे ख्याल से uh, वीडियो नहीं दिख रहा है जस्ट वंस से गाइस हेलो यस नाउ ओके फिर से गया ओके यस अब ठीक है ओके okay, चलो फाइन uh, आगे बढ़ते uh, मेरे ख्याल से कुछ इश्यू uh, हो गया था ओके या सो वी वर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर हमारी बात हो गई है अब आगे बढ़ते ये वन डे का कॉन्फ्रेंस था ध्यान रखिएगा चलो एक और न्यूज हमारे पास है और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडिया एंड ब्राजील नेवीज में कोलैबोरेट सून ब्राजील और इंडिया दोनों कंट्रीज की नेवी बहुत जल्दी कोलैबोरेट करके कुछ एक्सरसाइजेस कर सकती है ऐसा एक स्टेटमेंट जारी हुआ है दोनों कंट्रीज के नेवीज के ऑफिसर्स द्वारा सो so, यहां पे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा अगेन ध्यान दीजिएगा इंडिया ब्राजील नेवीज में कोलाबरेट सून दैट इज द पॉइंट मेन्शन ओवर हिस्सा अब ये पॉइंट कब जारी किया गया किसने जारी किया इसके ऊपर एक बार बात करते हैं अभी वेस्टर्न नेवल कमांड जो मुंबई के अंदर है हमारे कंट्री का वहां पे ब्राजीलियन नेवी के कुछ ऑफिसर्स आए हुए हैं एंड दे टॉक अबाउट दैट अब दोनों कंट्रीज में कोलैबोरेशन क्यों होगा इसका भी एक पॉइंट मेंशन किया गया स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन क्या है इंडिया में कितनी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स है एग्जैक्टली exactly कैसे वर्क करती है सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं अब ध्यान दीजिएगा क्लास सबमरीन ये फ्रांस के टेक्नोलॉजी का यूज करके हुए क्रिएट की गई है ये जो सबमरीन्स है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स ये इलेक्ट्रिक फॉर्म में भी काम करेगी और डीजल इंजिन के अंदर भी काम करेगी तो ड्यूल इंजिन जो होता है वो इन सबमरीन्स के अंदर होता है वैसे ओरिजिनली फ्रेंच टेक्नोलॉजी है इंडिया ने क्या किया कि फ्रेंच टेक्नोलॉजी को उठाया मींस ऑब्वियसली उनके परमिशन से और हमने इसे इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किया हमने इसे इंडिया के अंदर बनाया सेम तरीके से सेम टाइप की सबमरीन ब्राजील के पास भी है तो दो कंट्रीज के बीच में नेवीज में सिमिलरिटी है तो क्यों ना साथ में एक्सरसाइज की जाए अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ नाम वाम डिसाइड नहीं हुआ डायरेक्टली नाम के ऊपर मत जाइए नहीं तो गूगल पे सर्च करते बैठोगे इंडिया ब्राजील नेवल एक्सरसाइज अभी तक तय नहीं हुआ बस डिस्कशन चल रहा है क्वेश्चन कहां पे आएंगे क्वेश्चन आएंगे स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन फ्रेंच टेक्नोलॉजी है इंडिया में टोटल ये आप यहां पे देख सकते हो। देखिए फर्स्ट सबमरीन आई कलावरी सेकंड आई एन एस कंदेरी करांज वेला वागीर एंड एंडशीर आपने ये नाम सुने होंगे ये नाम आपने पढ़े होंगे लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी तो आई एन एस कलावरी आईएनएस करांज वेला वागीर एंड वाक्शीर ये छह सबमरी हमारे पास है इसमें से ये दो अभी ट्रायल फेज में चल रही है बाकी ऊपर की जितनी भी है चार सबमरीन ये ऑलरेडी इंडिया इंडियन नेवी के पास वर्किंग कंडीशन में ये भी फाइनल हो चुकी है बस इनका ट्रायल फाइनल ट्रायल चल रहा है ये भी बहुत जल्दी नेवी के वर्किंग कैटेगरी के अंदर आ जाएगी तो छह सबमरीन हमारे पास है ऐसी सबमरीनस ब्राजील के पास भी है तो इसलिए दो कंट्रीज का फ्यूचर में एक्सरसाइज हो सकता है चांसेस बड़े ब्राइट है और जब अनाउंसमेंट हो जाएगा तब हम इसके ऊपर जरूर बात करेंगे अभी बस इतना पॉइंट याद रखिएगा हमारे नेवी के हेड कौन है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि हमारे नेवी के हेड कौन है इंचार्ज कौन है जल्दी से देखते हैं कितने लोग इनका नाम बताएंगे यस गाइस एनीवन <coughs> ये नाम देख लेना यहाँ पे क्वेश्चन आता है बिल्कुल आता है इन नाम के ऊपर क्वेश्चन आएगा कलावरी कंदेरी करांज वेल्ला कर आपको ईयर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आ, ये दोनों भी वैसे लॉन्च हो चुके हैं बस इनका फाइनल ट्रायल जो अंडर सी ट्रायल फाइनल ट्रायल है वो फिलहाल यहाँ पे चल रहा है यस कुमार सर की बात करेंगे यस आपसे लुट ले राइट यार ये ना, एक न्यूज मुझे आपके साथ स्टार्टिंग में डिस्कस करनी थी और मैं उसका ये डालना भूल गया आ, आपको आ, एटीपी रैंकिंग पता है टेनिस प्रोफेशनल्स का रैंकिंग आता है एटीपी रैंकिंग पहली बार ऐसा हुआ है कि रॉजर फेडरर उस रैंकिंग के अंदर है ही नहीं

क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसी एक एक चीज बार राफेल नडाल साहब के साथ भी हुई थी जब वो इंजरी से जूझ रहे थे तब भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इसीलिए आपको बता रहा हूं ध्यान रखिएगा ठीक है चलो यस सुपर कोचिंग की थोड़ी जानकारी लेते हैं बाकी न्यूज से पहले एक बार थोड़ी सुपर कोचिंग की जानकारी ले लेंगे काफी लोग उसके रिगार्डिंग कंफ्यूज रहे दोस्तों सुपर कोचिंग के अंदर आपको लाइक ट्वेंटी वीडियो कोर्सेस बाय फिफ्टीन प्लस सुपर टीचर्स आपको मिल जाएंगे वन थाउजेंड प्लस मॉक टेस्ट है थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड प्लस स्टडी नोट्स यहां पे आपको अवेलेबल रहेंगे और प्लस डाउट सॉल्विंग सेशंस सेपरेटली कंडक्ट किए जाएंगे every uh, week हमारी फैकल्टीज आपके लिए डाउट सॉल्विंग सेशन लेके आएगी तो जहां पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो इसके अलावा यू कैन सी द मल्टीपल अ बिग फैकल्टीज जिनके लेक्चर्स आप गो थ्रू कर सकते हो साथ में uh, हम भी लोग रहेंगे आपके साथ यहाँ पे सचिन सर का फोटो नहीं है सचिन सर भी यहाँ पे रहेंगे uh, सचिन सर का फोटो ऐड uh, हो जाएगा मेरे ख्याल से कुछ मिसकम्युनिकेशन के वजह से उनका फोटो ऐड नहीं हुआ तो दिस वर द इन हाउस फैकल्टीज दे आर गोइंग टू गाइड यू रिगार्डिंग दीज देश भी एक पॉइंट यहां पर एंड यह पूरा सब्सक्रिप्शन आपको थ्री uh, थर्टी थ्री रुपीज के अंदर पर मंथ के एंगल में मिल जाएगा तो इस सब्सक्रिप्शन में आप किसी भी फैकल्टी का कोई भी सेशन अटेंड कर सकते हो यहां पर आपको और ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिल जाएगा अगर आप एक कोड यूज करते हो यू आर गोइंग टू गेट द ट्वेंटी परसेंट ऑफ ये भी एक पॉइंट यहाँ पे याद रखेगा सो गाइज वेरी गुड बाई दिस को

एनिमल हसबेंडरी फिशरीज डेयरिंग इंडस्ट्री के एक न्यूज़ को लेके पुरुषोत्तम रूपाला सर यहां पे मिनिस्टर है ये तो आप सबको पता होगा ही इज द मिनिस्टर ओवर हियर अब ध्यान दीजिएगा कल कल इनके द्वारा एक आ, 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 एस एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा कि एनिमल हसबेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के 75 एंटरप्रेनर्स इन द AHIDF कॉन्क्लेव अब ध्यान दीजिएगा 75 एंटरप्रेनर्स को अवार्ड भी दिया जाएगा और साथ में ए एच आई डी एफ नाम का एक फंड है वो भी डेवलप किया जाएगा या उसको भी इनग्रेट किया जाएगा ये फंक्शन कल होने वाला है पर उसकी जानकारी अभी रिसेंटली दी गई अब ये फंक्शन कहां पे होगा देखिए यहां पे न्यू दिल्ली के अंदर इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाएगा अब ना एक, एक काम करते आ, थोड़ा इसके बारे में जानकारी डिटेल में ले लेते कि एग्जैक्टली exactly क्या होने वाला है और क्या क्या चीजें यहां पे मैंशन की गई है सो so, ये आ, स प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का यहां पे पेज आपके सामने ध्यान रखिएगा यस नाउ एएचआईडीएफ ये जो फंड हमारे पास है ये फंड किस किस एंगल में काम करेगा चलो एक बार बात कर लेते हैं डेरी प्रोसेसिंग प्रोडक्ट डायवर्सिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेयरी प्रोसेसिंग को थोड़ा और बड़ा करने के लिए डायवर्सिफाई करने के लिए यह फंड का यूज किया जाएगा मीट प्रोसेसिंग मीट जो है उसका प्रोसेसिंग एनिमल फीड प्लांट ब्रीड इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी सेटिंग अप ऑफ द वेटरनरी वैक्सीन ड्रग्स एनिमल वेस्ट एंड द वेल्थ मैनेजमेंट तो यहां पे आपके सामने ये छह चीजें हैं इन छह चीजों के ऊपर ये काम करेगा तो जो भी ए एच आई डी एफ की बात हो रही है जिस फंड की बात हो रही है ये फंड डेयरी मीट प्रोसेसिंग एनिमल्स को फीड करने के लिए जो प्लांट्स होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ब्रीड इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी एनिमल्स के ब्रीड्स को इंप्रूव करने के लिए देन वेटरनरी

और एग्जेक्टली एच डी आई एफ के अंदर क्या क्या चीजें होगी यही पॉइंट यहां पे मेंशन किया गया अब ध्यान दीजिएगा यहां पे एक पोर्टल भी लॉन्च होने वाला है जिस पोर्टल के थ्रू एनिमल हस्बेंड्री एज वेल एज डेयरिंग इस इंडस्ट्री की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी एनिमल हस्बेंड्री का मतलब बड़ा सिंपल है कैटल्स होते हैं काउस बफेलोज या फिर कोई भी कैटल्स जो फार्मर्स अपने पास रखते हैं या डेयरी इंडस्ट्री के लिए जो काम में रहते हैं उन सारे कैटल्स के डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीजें रहेगी देखिए लोन uh, चाहिए तो लोन के लिए आपने प्रीवियस लोन लिया होगा तो उसका सिविल स्कोर रहेगा लोन की जानकारी रहेगी गवर्नमेंट स्कीम्स की इंफॉर्मेशन रहेगी सो एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन द पोर्टल सेपरेटली क्रिएटेड फॉर द एनिमल हस्बेंड्री एज वेल एज अ डेयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये पॉइंट यहां पे मैंशन किया गया है बाई दवर्मेंट ऑफ इंडिया बाई दोर्टल लॉन्च होगा कल उस पोर्टल के ऊपर गूगल मैपिंग भी होगी कहां कहां पर उनके वेटरनरी हॉस्पिटल है कहां पर ट्रीटमेंट हो सकती है कहां पर वैक्सीन मिलेंगे कहां पर सामान सेल कर सकते हैं so, सो सब चीज की डिटेल इंफॉर्मेशन इस ऑनलाइन पोर्टल एज वेल एज फंड अवेलेबल किया गया और साथ में कुछ अवार्ड भी यहां पर दिए जाएंगे बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यार एक और चीज के ऊपर मुझे आपके साथ बात करनी है बात ये करनी है कि एनिमल हस्बेंड्री एंड जो डेयरिंग इंडस्ट्री है उसके लिए हमारे पास कौन सी कौन सी योजनाएं हैं एक बार वहां पे डिस्कस कर लेते हैं लिंक तो डाली थी आ, यस yes गाइस uh, तो यहां पे एक बार बात कर लेते हैं आर द स्कीम्स थोड़ा सा यहाँ पे हम स्कीम्स के नाम देखने वाले तो ध्यान दीजिएगा ना ये सारी की सारी स्कीम्स एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इंडस्ट्री वाली स्कीम्स है इसलिए अच्छे से ध्यान दीजिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अब स्कीम में डिटेल में जाने का उतना वक्त हमारे पास नहीं है पर हम स्कीम के नाम एटलीस्ट देख लेते हैं अगर आपके पास पेज पेन है तो वहीं पे लिख लीजिए ताकि आपको रिवीजन करते वक्त दिक्कत नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन ऑब्वियसली uh, आपको समझ में आ गया होगा ये स्पेशली uh, काउज uh, या फिर जो मिल्चिंग एनिमल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट डेयरी इंडस्ट्री को डेवलपमेंट के लिए डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड केवल डेयरीज को डेवलप करने के लिए फंड हमारे पास है Then, Missions, जो एनिमल्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लाइव स्टॉक हमारे पास है एनिमल हस्बेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जिसकी बात हो रही है जो फंड अभी रिलीज किया जाएगा उसकी भी जानकारी यहां पर है देन उसके अलावा लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल एंड सपोर्टिंग डेयरी को एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सो दीज आर सम इनिशियटिव अंडर ए

Uh, 6000 uh, sorry 6000 uh, uh, seven crore 6407 crore kept aside by government of India एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री जो पूरी पैसा गवर्नमेंट ने अलग से निकाल कर रखा है कभी -कभी आते कि में इस को कितना पैसा मिला या बजट में इस योजना को कितना पैसा मिला ऐसे क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं तो अगर पढ़ी रहे उसके बारे में स्टडी कर रहे तो एक बार अमाउंट भी देखना बहुत जरूरी है तो छे हजार चार सौ करोड़ इस साल के लिए ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इस साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस मिनिस्ट्री को दिया गया कि भाई इतना पैसा यूज कीजिए इस मिनिस्ट्री के अंदर जो अलग अलग स्कीम्स आती है योजनाएं आती है उसके डेवलपमेंट के लिए फॉर दिस ईयर नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली अलग पैसा मैंशन किया जाएगा तो छह करोड़ के आसपास का पैसा यहां पे प्रोवाइड किया गया अब ध्यान दीजिए ये जो फंड बनने वाला है इस फंड के अंदर कितना पैसा रहेगा Okay. अब ये फंड एक साल के एंगल में काम नहीं करेगा ऑब्वियसली जो फंड है ये लॉन्ग टर्म के एंगल में काम करेगा तो फंड शुड कंसिस्ट ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड करोड़ पंद्रह हजार करोड़ इस फंड के अंदर रहने चाहिए जो मैंने अभी तक आपको अमाउंट बताया था वो इयरली अमाउंट था पूरे मिनिस्ट्री के लिए ये जो एनिमल हस्बेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बन रहा है इस फंड के अंदर पंद्रह हजार करोड़ का ये फंड सेटल किया जाएगा पर ये लॉन्ग टर्म के एंगल में काम करने वाला है ये केवल एक साल का नहीं है जो अमाउंट मैंने बताया था वो वन ईयर के एंगल का था ठीक है अब इस फंड के द्वारा कहा का पैसा खर्च करेंगे ये पॉइंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डेयरी प्रोसेसिंग मीट प्रोसेसिंग वी टॉक्ट अबाउट दैट एनिमल फीड प्लांट ब्रीड इंप्रूवमेंट सेटिंग अप द वेटररी वैक्सीन एंड द एनिमल वेस्ट टू वेल्थ यहां पर पैसा खर्च होगा विच आई हैव टॉक्ट विथ यू पीपल विच वी हैव डिस्कस ऑलरेडी ठीक है सो येस गाइज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज वेरी वेरी क्रूशल न्यूज बैंकिंग से इसका क्या रिलेशन है बिकॉज ये जो फंड है के या फिर जो भी लोन प्रोवाइड किया जाएगा ये कि जो लोन या क्रेडिट है या फंड है ये बैंकों के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाएगा बैंकों के द्वारा ही इसे डिसबर्स किया जाएगा दैट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अब देखिए सपोज किसी आ, किसी पर्सन को डेयरी इंडस्ट्री इंप्लीमेंट करनी है तो परसेंट इनिशियल कॉस्टिंग आप अपने जेब से डाल दीजिए बाकी जो 90% परसेंट है वो आपको इस फंड के द्वारा बैंकों के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा देखिए यहां लिखा है स्केड्यूल बैंक्स तो इसमें केवल गवर्नमेंट बैंक नहीं इसमें प्राइवेट बैंक लिखा हुआ है तो इफ यू वॉन्ट टू इंप्लीमेंट समथिंग अंडर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी आप उसको इंप्लीमेंट कीजिए 10 परसेंट आप अपने जेब से डालिए बाकी 90 परसेंट आपको इस फंड के द्वारा लोन दिया जाएगा जिसके ऊपर परसेंट का आपको इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा तीन परसेंट इंटरेस्ट कि सब्सिडी आपको तीन परसेंट तक की मिल सकती है इंटरेस्ट के ऊपर दो साल का मोराटोरियम टू इन का मोराटोरियम का मतलब है कि दो साल, मतलब साल तक दो साल में अगर आपको ईएमआई नहीं पे करना तो मत कीजिए ईएमआई पे करना पड़ेगा बाद में कीजिए दो साल का पॉज रहेगा दो साल का ब्रेक रहेगा ईएमआई पे करने से ना एवरी मंथ हमें ईएमआई पे करना पड़ता है So, अगर फिलहाल आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं बन रहा है तो दो साल का आप ब्रेक ले सकते हो इसका मतलब लोन माफ नहीं हो रहा है लोन पे करना पड़ेगा बाद में पे कीजिए अभी आप ब्रेक ले सकते हो उसे मोराटोरियम कहा जाता है ध्यान रखिएगा सो दट इज द थिंग मेन्शन ओवर यर यह चीज यहां पे मेंशन की गई है सो so, अगेन ये फंड खैरात में नहीं है ग्रांट में नहीं मिल रहा है कि भाई ले लो पैसा यूज कर लो नहीं ये लोन के नाम पे मिलेगा और उसी की सारी जानकारी यहाँ पे आ, हमारी मिनिस्ट्री द्वारा मेंशन की गई है ध्यान रखिए ठीक है अः देखिए ये पंद्रह हजार करोड़ ये पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा आई डोंट नो के अभी इस फंड के अंदर क्या मेंशन किया गया है कि पंद्रह हजार करोड़ का ये फंड हमने क्रिएट किया हुआ है दैट इज द पॉइंट मेंशन अब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा तो मिनिस्टर साहब को भी नहीं पता है अगर फ्यूचर में रिक्वायरमेंट बढ़ी तो बढ़ सकता है सो so, उसके ऊपर हम सोचेंगे नहीं उसके ऊपर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे बढ़ना है तो बढ़ेगा यहां परियम इस ग्रेस पीरियड इस ग्रेस पीरियड कि आपको थोड़ा इसको हम लोग पॉज पीरियड भी कहते हैं कि उस टाइम पे आपको लोन का हफ्ता या ई पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ओके okay? चलो आगे बढ़ते आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रीजॉइन द एम्बिशियस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाउ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आती है नरेंद्र सिंह तोमर साहब और आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी जगनमोहन रेड्डी साहब के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ uh, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बड़े आ रहे थे तो आंध्र प्रदेश ने इस योजना से ऑप्ट आउट कर लिया था कहा था कि हम इस योजना को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे कई सारे स्टेट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आ आ रही रही थी थी क्यों बिकॉज इस योजना को स्टेट को इंप्लीमेंट करना था सेंटर की मदद से इसके जो क्लेम्स थे वो क्लेम्स भी सेटल करने थे पर क्लेम सही टाइम पे सेटल नहीं हो रहे सेंटर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है कि जो यहां पे नियम या बना या कानून बनाए गए थे वो सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे तो काफी स्टेट्स ने कंप्लेंट की थी कुछ स्टेट ने तो योजना इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया था पर अभी कुछ चेंजेस किए गए रिसेंटली कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कंपलसरी नहीं है मैंडेटरी नहीं है अगर किसी फार्मर को इंप्लीमेंट करनी है या इसका सहायता लेनी है तो ले सकते हैं यहां पे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को भी इन्वॉल्व किया गया है कि उनकी मदद से स्टेट इसे इंप्लीमेंट कर सकता है तो काफी सारे चेंजेस हुए और दैट्स वाई आंध्र प्रदेश डिसाइडेड टू ज्वाइन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ध्यान रखेगा एक काम करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करते exactly हैं है। है के के क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है तो आ, चाहे फिर वेदर बेस्ड इंश्योरेंस हो या फिर कोई भी कैलमिटी आ जाए क्रॉप के ऊपर उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारे पास है ध्यान रखिएगा Uh, सबसे मेन पॉइंट इसको इसको लेके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं वो ये होते हैं कि कौन से कौन से क्रॉप्स कवर किए जाएंगे फूड क्रॉप्स सारे फूड क्रॉप्स जहां पे सीरियल मिलेट्स पल्सेस ऑयल सीड्स है एनिवल कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप है इनको भी इसके अंदर कवर किया जाएगा यस uh, ध्यान yes, <coughs> दीजिएगा uh, इस योजना के अंदर प्रीमियम कितना है यह भी एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि इस योजना के अंदर प्रीमियम कितना है ध्यान दीजिए अगर खरीफ क्रॉप है तो टू का प्रीमियम रहेगा अगर रबी क्रॉप है तो 1.5 परसेंट का रहेगा अगर कमर्शियल क्रॉप है तो 5 परसेंट का प्रीमियम रहेगा देखिए कोई भी इंश्योरेंस है तो प्रीमियम पे करना पड़ेगा जो भी प्रीमियम है उसका 2 खरीफ क्रॉप वाला फार्मर पे करेगा 1.5 रबी क्रॉप वाला फार्मर पे करेगा और पांच कमर्शियल क्रॉप वाला फार्मर पे करेगा यह पॉइंट मेंशन किया गया है लॉ के अंदर ओरिजिनल स्कीम के अंदर यहां पे ध्यान रखिएगा प्रीमियम के बिना कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी काम नहीं करती प्रीमियम पे करना पड़ेगा आधर आप पूरा कीजिए या फिर कुछ आप पे करो कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी जैसे यहां पे मेंशन किया गया है तो क्वेश्चन यहां पे पूछते हैं खरीफ रबी एज वेल एज कमर्शियल क्रॉप को लेके अब देखिए कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज यहां पे इन्वॉल्व है मैंने कहा था प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को भी यहां पे परमिशन दी गई है अब इनके नाम आपको याद नहीं करने ये केवल आपके जानकारी के लिए कि इन इंश्योरेंस कंपनीज की मदद से इस योजना को अलग अलग स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया जा रहा है अलग अलग स्टेट्स में लाया जा रहा है या इंप्लीमेंटेशन हो रहा है पहले यह स्कीम मैंडेटरी थी कंपलसरी थी फार्मर्स के लिए पर अभी ये स्कीम कंपलसरी नहीं है कि अभी अगर फार्मर को चाहिए तो फार्मर ले सकता है अदरवाइज नहीं ले पाएगा ठीक है आंध्र प्रदेश के अंदर इसे इंप्लीमेंट करने की बात की है, तो 40 लाख फार्मर को फायदा होगा आंध्र प्रदेश के अंदर ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है एक पॉइंट मैं मुझे आपके साथ यहां पे डिस्कस करना है ध्यान दीजिएगा यस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फेब 2016 में इस योजना का अनाउंसमेंट हुआ था कि इस इस टाइम से योजना ने काम करना शुरू कर दिया सो अगेन यहां पे ईयर लिखा हुआ है यस uh, गाइस yes 18 फेब 2016 इस साल इस साल की बात करें तो इस साल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर कितना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाल के रखा हुआ है इस योजना के लिए इस स्कीम के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15500 करोड़ इस साल के लिए निकाल के रखे है फॉर दिस स्कीम पंद्रह हजार पांच सौ करोड़ केप्ड असाइड फॉर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलकर इसे इंप्लीमेंट करेगी फिफ्टी टू फिफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर रहेगा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की भी मदद ली जा सकती है मैंने आपको ऑलरेडी नाम दिखा दिए थे कि वो लोग भी वहां इन्वॉल्व थे पहले हमारे पास नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम थी इन दोनों स्कीम्स को मर्ज करके हमने वन नेशन वन स्कीम इस क्राइटेरिया के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च किया अगेन एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लॉन्च करते वक्त कौन सी योजनाओं को मर्ज किया गया या कौन सी योजनाओं को बंद किया गया ये दो योजनाएं पहले हमारे पास थी इनको बंद करके हमने फसल बीमा योजना लॉन्च की अंडर वन नेशन वन स्कीम वन नेशन वन राशन कार्ड जैसे वन नेशन वन टैक्स वैसे ही फसल बीमा योजना पूरे देश के लिए एक सेम तरीके से वर्क करेगी ऐसा भी पॉइंट मेंशन किया गया 2016 में उसकी शुरुआत की गई थी दैट इज अ पॉइंट ओवर योर दैट्स इट क्लियर प्रीमियम वाला पॉइंट याद रखना के किसके लिए टू परसेंट है किसके लिए फाइव परसेंट है, है वो मेन रहेगा और सबसे मेन पॉइंट जो अभी है, जिसके वजह से आंध्र प्रदेश ने अगर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को भी इन्वॉल्व करवा दिया जिसके वजह से स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा और स्टेट गवर्नमेंट सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएगी ये मेन पॉइंट यहां पे आएगा ठीक है चलो अभी आगे बढ़ते सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन वॉज इनोटेड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह सिंपल सी न्यूज है uh, पहला IS4OM, इसका फुल फॉर्म क्या ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है तो पहले इसके फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म की तरफ ध्यान दो पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट इसे लॉन्च किसने किया ऑब्वियसली हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब के द्वारा इसे लॉन्च किया गया इजरो का जो कंट्रोल सेंटर है बेंगलुरु में वहां पे लॉन्च किया गया यार एक बात बताइए इसरो के हेड कौन है इसरो के हमारे प्रेजेंट हेड कौन है उनका नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दो तब तक, तक हम आगे बढ़ते हैं कि ये सिस्टम क्यों क्रिएट की गई है सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस अब ध्यान दीजिए हमारे इसरो के बहुत सारे स्पेस एसेट्स हैं उनके ऊपर भी रिस्क होती है बहुत सारे रॉकेट्स हम लोग लॉन्च करते हैं कुछ रॉकेट्स एक्सपायर हो जाते हैं जो ऑर्बिट में घूमते रहते हैं कहीं पे कुछ माल फंक्शनिंग होती है उन सबको संभालने के लिए उन सबकी एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान रखने के लिए सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन ये नाम ही सब कुछ है नाम की तरफ ध्यान दो नाम अगर आपने सही तरीके से पढ़ा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसरो की ये सिस्टम किस पर्पस के लिए काम कर रही है तो सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन बहुत सारे सैटेलाइट हो गए अलग अलग कंट्रीज के और जो सैटेलाइट वर्किंग कंडीशन में नहीं होता एक्सपायर हो जाता है वह ऊपर ही घूमते रहता है तो स्पेस डेब्रिज बहुत ज्यादा हो गई इस सिचुएशन में हमें सैटेलाइट uh, लॉन्च करते वक्त या कोई भी लॉन्चिंग करते वक्त सोच समझ के संभाल के करना पड़ता है बिकॉज़ जो डेब्री स्पेस घूम रही है उनका स्पीड बहुत ज्यादा है अगर कहीं पे हम उनके आ, आ, उसमें आ गए या फिर उनके आ, जो घूमने का सर्कल अगर उसमें हम लोग आ गए तो दिक्कत हो सकती है दैट्स वाई हमारे स्पेस एसेड्स कौन से वर्किंग है उसमें कोई रिस्क तो नहीं है यह सब कुछ यहाँ पे चेक किया जाएगा The protection of Indian space assets from inactive satellites पीसेस ऑफ ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट्स नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स एंड एडवर्स स्पेस वेदर कंडीशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मेंशन किया गया है इसी के परपज में डेब्रिज याद रखना डेब्रिज मीनस जैसे लाइक कचरा जैसे कचरे की बात करेंगे तो बहुत सारे जैसे स्पेस में चले गए और कोई पार्ट किसी सैटेलाइट का टूट गया किसी आ, किसी चीज का टूट गया तो वह घूमते रहेगा वो, रहे वो डेब्रिज क्रिएट होगी इनएक्टिव सैटेलाइट बहुत सारे रहेंगे और जिससे प्रॉब्लम हो सकती है नाउ द मिनिस्टर ऑल्सो मेंशन दैट 60 स्टार्टअप हैव रजिस्टर्ड है इजरो सिंस अनलॉकिंग ऑफ द इंडियन स्पेस सेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसेंटली मोदी साहब ने एक पॉइंट मेंशन किया था स्पीच के अंदर और बाद में निर्मला जी ने बजट के अंदर भी पॉइंट मेंशन किया था कि स्पेस टेक्नोलॉजी इज नाउ ओपन फॉर प्राइवेट रिसर्च प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट तो अभी हमारे पार्टिसिपेंट्स भी काम कर सकते हैं गवर्नमेंट है। so, के हाथ में नहीं रहेगी प्राइवेट कैन ऑल्सो वर्क तो इसरो तो आई तो इसरो दाइवेट कंपनीज तो साठ स्टार्टअप ऑलरेडी इंडिया में काम करना शुरू कर दिया है जो स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे क्योंकि मोदी साहब ने कहा था कि ये केवल गवर्नमेंट तक सीमित नहीं रहेगा हम प्राइवेट को भी यहां पे इनवाइट करते हैं और उनके साथ मिलके भी काम करेंगे ऑलरेडी अपने भाषण द्वारा अपने स्पीच द्वारा इसके ऊपर बात कर चुके थे तो साठ स्टार्टअप इस फील्ड में भी इंडिया में काम कर रहे इसरो की बात करेंगे तो यस गाइस 15 अगस्त 1969 आ, मैंने आपको हेड का नाम पूछा था कि एग्जैक्टली हेड कौन है तो यस सोमनाथ सर की बात करेंगे यस ही इज द हेड ओवर ईयर 1969 में इसको क्रिएट किया गया था ध्यान रखेगा एस सोमनाथ सर फिलहाल हेड है हमारे इज़रो के ओके <coughs> okay, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जाएंगे नेक्स्ट न्यूज़ आपके स्क्रीन के ऊपर ये रही उड़ान yes uh, नाम की स्कीम हमारे पास है उड़े देश का आम नागरिक उड़ान इज द नेम ऑफ द स्कीम जिसके अंदर अभी रिसेंटली झारखंड में एक नया uh, हमने uh, एयरपोर्ट है जिसका इनोग्रेशन किया गया एंड द इनोग्रेशन वॉज डन बाय अवर प्राइम मिनिस्टर ध्यान दीजिएगा चार सौ एक करोड़ का uh, ये एयरपोर्ट क्रिएट किया गया देवगढ़ एयरपोर्ट ये नाम इसको दिया देवगढ़ एयरपोर्ट है के अगेन uh, एयरपोर्ट इज बिंग क्रिएटेड अंडर विच स्कीम यह एग्जाम में आ सकता है उड़ान उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम exactly एक्सैक्टली काम करती है वैसे इसकी दो हजार 2017 से काम करना शुरू किया ओरिजिनली स्कीम का लॉन्चिंग 2016 में हुआ था पर स्कीम का फंक्शनिंग 2017 से स्टार्ट हुआ तो कुछ जगहों पे 16 दिखाई देगा कुछ जगहों पे 17 दिखाई देगा मैं रिपीट करता हूं अक्टूबर 2016 में योजना का अनाउंसमेंट किया गया अप्रैल 2017 से योजना ने काम करना शुरू कर दिया उड़े देश का आम नागरिक इसमें हम लोग क्या करते जिन शहरों में जिन छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट नहीं है वहां पे एयरपोर्ट बनाते हैं जहां पे एयरपोर्ट पर खराब हुए बंद पड़े हुए उन एयरपोर्ट्स को हम लोग रिस्टार्ट करते हैं तो नए एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो एयरपोर्ट को रिस्ट्रक्चर किया गया उसको ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट कहेंगे वो हम बनाएंगे प्लस एयर कनेक्टिविटी को हम लोग सही तरीके से इंक्रीज करते हेलीकॉप्टर पोर्ट्स भी हमने क्रिएट किए हुए हैं तो यहां पर देवगढ़ एयरपोर्ट यस <coughs> झारखंड के अंदर 401 करोड़ में इसको क्रिएट किया गया लास्ट टाइम इसका फाउंडेशन स्टोन भी मोदी साहब ने रखा था यह देवगढ़ एयरपोर्ट का फोटो है रात के वक्त का के और ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट का बिल्डिंग और पीछे ऑब्वियसली उसका आ, आ, जो फ्लाई करने के लिए रहेगा ये लॉन्ग रनवे है रनवे की यहाँ पे बात की गई है ध्यान रखेगा सो देवगढ़ कोलकाता इंडिगो फ्लाइट को भी मोदी साहब ने यहाँ पे फ्लैग दिखा दिया अब देवगढ़ में एयरपोर्ट क्यों बना है? रीजन है बाबा बैद्यनाथ धाम के हमारे ज्योतिर्लिंग में से बड़ा फेमस ज्योतिर्लिंग वहां पर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग सो यस यहां पे काफी श्रद्धालु आते काफी लोग यहां विजिट करने आते एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन कि यहां पर यह एयरपोर्ट क्रिएट किया गया तो ये कनेक्टिविटी मेन एजेंडा था यहां पर एयरपोर्ट क्रिएट करने का ध्यान रखेगा दो में मोदी साहब ने इसकी नीव रखी थी आ, बाकी और भी प्रोजेक्ट्स है जो झारखंड के अंदर मोदी साहब ने यहाँ पे इनोग्रेट किए सोलह हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स टोटल यहाँ पे मोदी साहब ने इनोग्रेट किए देखिए मैं जिसकी बात कर रहा था देवगढ़ मेजर सिटी इन झारखंड बैद्यनाथ टेम्पल बारह ज्योतिर्लिंगा में से एक ज्योतिर्लिंग है बड़ा फेमस है एंड फॉर दैट पर्पज ये एयरपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अभी एक और पॉइंट उड़ान उड़े देश का आम नागरिक की बात करेंगे उड़ान स्कीम की बात करते 948 फोर्टी एट नंबर ऑफ अवार्डेड अंडर उड़ान उड़ान के अंदर उड़ कितने प्लेन के रूट डेवलप किए गए 948 रूट अभी अंबर 423 नंबर ऑफ ऑपरेशनल रूट्स चल रहे मींस देश के अंदर जो फ्लाइंग के अलग अलग सिटीज के रूट्स है 423 देन uh, 2458 करोड़ uh, इतना फंड हमने यहाँ पे यूज करने की बात की है एंड वन सेवन एट फोर फंड अभी तक तो हमने खर्च किया हुआ है तो टोटल टू फोर फाइव एट पॉइंट नाइन फाइव करोड़ वी आर गोइंग टू स्पेंड फॉर द उड़ान स्कीम Today, देश का आम नागरिक सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर आता है जिसके अंदर हमने एक न्यूज़ कवर की कि रिसेंटली देवगढ़ में एक एयरपोर्ट का इनोग्रेशन किया गया जिसका न्यू जिसका फाउंडेशन स्टोन भी मोदी साहब ने रखा था और इनोग्रेशन भी उन्हीं के हाथ से किया गया याद रखिएगा, दैट विल बी द केस चलो नेक्स्ट न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पे आएंगे नेशनल कमीशन फॉर वेमेन अ सीरीज ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर ऑन एनआरआई मैरिजे डूज एंड डोंट्स अ वे फॉरवर्ड यह पंजाब के अंदर लॉन्च किया गया है पंजाब के अंदर इसकी शुरुआत की गई नेशनल कमीशन फॉर वेमेन यह स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है हमारे वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है नेशनल फॉर वुमेन की हेड कौन है उनका नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। बट एन है एनआरआई लड़का होता है फैमिली वाले खुशी खुशी शादी करवा देते है और बाद में बड़े इशू बड़े झमेले होते हैं बिकॉज लड़का की लड़का लड़के की फैमिली नहीं पता होता है वहां पे बहुत बार इतनी गंदी गंदी चीजें सुनने को मिलती है एंड दैट्स एनआरआई वैरिजेस में क्या एहतियात बरतनी चाहिए क्या ध्यान रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए उसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए पंजाब के सारे डिस्ट्रिक्ट में यह प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया गया देखिए यही प्रॉब्लम है हमारे देश में दिखावा के ऊपर हम लोग बहुत भरोसा कर लेते हैं कि जहां पे दिखावा है जहां पे शो ऑफ हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं ना कि डिस्टोर्टेड रियालिटी उसकी तरफ हम लोग बहुत भागते हैं जो दिखावा करेगा शो ऑफ करेगा पर जो रियलिटी होती है वो हम देखने के लिए मना करते हैं ये उसका एग्जाम्पल है और इसलिए बहुत सारे केसेस है पंजाब ऑब्वियसली देर आर मेनी पंजाब इज गोइंग आउटसाइड इंडिया वर्किंग आउटसाइड इंडिया और इसीलिए पंजाब में इसकी शुरुआत की गई है फॉर एनआरआई मैरेजेस ध्यान रखिएगा ये पहले बार पढ़ते लाफेबल लगता है कि यार क्या मस्ती मजा क्या कुछ भी चल रहा है पर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए केवल एनआरआई है इसलिए शादी कर लो ऐसा नहीं है कि बिकॉज बहुत सारी होती है सेम हमारे मीडिया का है दिखाते बड़े ऐसे रंगीन तरीके से दिखाएंगे पर न्यूज की रियलिटी कुछ और होती है वैसा ही एग्जाम का है के हम ऐसे नोट्स पढ़ना चाहते हैं जो बड़े खूबसूरत बड़े रंगीन देखने को बड़ा मजा आ जाए पर एग्जाम की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है तो इसलिए बार बार कहता हूं कि रियलिटी को समझिए रियलिटी को अंडरस्टैंड कीजिए चाहे पढ़ाई हो शादी हो फिर करियर की बात हो अब पंजाब की सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर पंजाब के पंचायत एनजीओ कॉलेजेस के थ्रू इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है एंड यहां पर चार टेक्निकल सेशन रहेंगे स्पेशली लड़कियों के लिए इवन उनके पेरेंट्स के लिए भी जैसे फर्स्ट सेशन विल बी रोल ऑफ जुडिशरी जुडिशरी का क्या रोल होता है अगर एनआरआई मैरिज होंगे तो रोल ऑफ पुलिस क्या रहेगा देन रोल ऑफ लीगल मशीनरीज़ क्या रहेगा एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द एनआरआई मैरिजेस इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा अगर कुछ तकलीफ होती है तो कंप्लेन कहां की जाए यह भी पॉइंट यहां पे डिस्कस किए जाएंगे अगेन ध्यान 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की की शुरुआत की गई uh, 1990 का एक्ट है है तो स्टैट्यूटरी बॉडी पार्लियामेंट के एक्ट से बनाई गई है और 1992 से इस अथॉरिटी ने काम करना शुरू कर दिया रेखा शर्मा मैम यहां पे हेड है शी इज द हेड राइट नाउ एंड शी इज हैंडलिंग दिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी जी मिनिस्टर है उनके मिनिस्ट्री के अंदर ये कमीशन काम करता है रेखा शर्मा मैम यहाँ पे हेड है ध्यान रखिएगा ठीक है क्लियर यस ध्यान रखिए ना मैं आ, इसको लेके ना एक एक मेरा आ, हमारे मेरे घर का एक पर्सनल एग्जांपल है इस चीज को लेके कि शादी वादी करवा दी भेज दिया वहां पे के बाद में पता चला कि वो भाई साहब के उधर बहुत सारे अफेयर चल रहे हैं फैमिली कोई है नहीं फेक फैमिली आ, वाला सीन था फेक फैमिली नहीं थी पर कोई बात नहीं करते थे एंड जिसको शादी करवा के लेके गए थे शी अ होल्डर वहां पे उसको मेड बना के रखा हुआ था कि घर के बाहर नहीं निकलना है हाथ पैर बांध के रखने हैं हम ये सोचते कि भाई एनआरआई है बड़ी अच्छी सैलरी होगी बड़ा सेटल बंदा होगा सब कुछ सही होगा पर ओरिजिनलिटी कुछ और होती है फिर वहां से निकलना भी मुश्किल हो जाता है निकल भी नहीं पाते तो क्या क्या चीजें हुई मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देखा हुआ है मीन्स ऑब्जर्व किया हुआ है एंड दैट्स ये चीजें बहुत ज्यादा बहुत कॉमन है Uh, आपने शायद बहुत बार सुना भी होगा दे लॉन्च लड़किया स्पेशली ध्यान रखना आपके अगल बगल में या आप खुद भी अगर ऐसा कुछ करने जा रहे हो तो सोच समझ के प्रैक्टिकली uh, सोच के कीजिएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते मिनिस्ट्री ऑफ कोल आइडेंटिफाइड कंस्ट्रक्शन ऑफ महानदी कोल रेलवे लिमिटेड फेज वन टू प्रोजेक्ट एज अ हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट इन दर पीएम गतिशक्ति प्रधानमंत्री गतिशक्ति ये तो हमें पता है गतिशक्ति के अंदर हम अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते देश में चाहे रेलवे हो रोड हो इनलैंड वाटरवेज हो या फिर एयरपोर्ट्स हो इवन ब्रॉडबैंड या इलेक्ट्रिसिटी ये भी चीजें पीएम गतिशक्ति के अंदर आती है अब महानदी कोल लिमिटेड अपना अलग से रेलवे लाइन डालने की है उनका ऑलरेडी एक्चुअली रेलवे लाइन है पर डेडिकेटेड रेलवे स्ट्रक्चर वो लोग क्रिएट करने वाले हैं तो कोल मिनिस्ट्री द्वारा उनको परमिशन दे दी अंगुल जरापादा के दैट इज द एरियाज़ तालचार बलराम यहां पे ऑलरेडी उनकी लोडिंग साइड है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड की और उनके द्वारा सिंपल न्यूज है ज्यादा दिक्कत नहीं है आपको नंबर वंबर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी महानदी कोल रेलवे लिमिटेड एक सेपरेट अथॉरिटी बनाई गई जहां पे इंडियन रेलवे के भी शेयर्स है ओडिशा गवर्नमेंट के भी शेयर्स है और साथ में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड इनके भी यहां पे शेयर्स है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा के ध्यान रखना बाकी तो आपको एरियाज और बाकी चीजों के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतना इनफ है और ये डेवलपमेंट किसके अंदर हो रहा है पीएम गतिशक्ति बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम के एंगल में याद रखना पड़ेगा देखिए डेडिकेटेड रेलवे लाइन होगी तो फायदा क्या होता है सबसे पहली बात तो आ, कोल का लोडिंग या उसको आ, निकालना या उसको यूज करने के लिए सब कुछ आपके हाथ में रहेगा आपको किसी और रेलवे लाइन पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरा अगर आपको इसको पोर्ट तक लेके जाना जैसे यहां पे पोर्ट्स के नाम लिखे हुए हैं तो अगर आपको पोर्ट तक लेके जाना है तो आप अपने हिसाब से उसको कैरी कर सकते हो तो टाइम बचेगा मनी बचेगा एफिशिएंटली काम होगा और इंडिया का जो बिजनेस है या बिजनेस एक्टिविटीज है और सही तरीके से ग्रो करेगी और इसीलिए ये डेडिकेटेड रेलवे लाइन क्रिएट करने की बात हो रही है अंडर पीएम गतिशक्ति पीएम गतिशक्ति लास्ट ईयर मोदी साहब ने इसका अनाउंसमेंट किया था लाल किले से बजट में भी इसके बारे में बात की गई यहां पर सोलह मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है जो इंफ्रास्ट्रक्चर uh, डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे कनेक्टिविटीज के ऊपर काम करेंगे रोड रेलवे एयरपोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज इंटरनेट कनेक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी डैम एवरी काइंड ऑफ थिंग इसमें प्राइवेट का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा वो भी यहां पे काम कर सकते हैं हमने रिसेंटली एग्जाम्पल देख लिया ध्यान रखिएगा सो दैट इज अ नेशनल मास्टर प्लान फॉर दी कनेक्टिविटी ऑफ इंडिया चलो आगे बढ़ते सिंपल सी न्यूज है आरबीआई ने एक और बैंक के ऊपर फाइन लगा दिया के, अब यहां पे अमाउंट लिखा हुआ है आ, कितने आ, रुपीज का फाइन लगाया कौन सी बैंक के ऊपर लगाया ये भी भी लिखा हुआ है मैंने आपको उस दिन भी बताया था एक पॉइंट कि आप जब ऐसे न्यूज को पढ़ते हो फाइन वाले तो कितने अमाउंट का फाइन लगाया के और किस बैंक के ऊपर लगाया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है क्यों लगाया फाइन वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट फाइन लगाने के लिए कौन सा एक्ट फॉलो किया गया कौन सा सेक्शन फॉलो किया गया वो ज्यादा मैटर करता है स्टूडेंट फाइन का अमाउंट याद करते हैं और फिर मुझे आके पूछते हैं सर इतने सारे फाइन आते हैं सबके अमाउंट थोड़ी ना याद होंगे तो बोला किसने याद करने के लिए किसी ने नहीं बोला याद करने के लिए मत करो याद मत करो के क्योंकि अगेन डिस्टॉर्टेड रियलिटी एंड एक्चुअल रियलिटी में फर्क होता है तो ये डिस्टॉर्टेड रियलिटी नंबर याद करना मत करो बस ध्यान रखिए एग्जैक्टली कोऑपरेटिव बैंक क्या होती है हम इसके ऊपर बात करेंगे और फाइन जो लगाया गया क्यों लगाया और किस रीजन से लगाया डिस्कस करते हैं देखिए पहला रिलेटेड टू द रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द फ्रॉड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा जो फ्रॉड की रिपोर्टिंग थी वो सही तरीके से नहीं की गई थी तो नाबार्ड ने इनकी कंप्लेंट आरबीआई के पास कर दी और आरबीआई ने फाइन लगाया बिकॉज नाबार्ड रूरल कोऑपरेटिव बैंकों का सुपरवाइजर है तो नाबार्ड द्वारा ये नॉन कंप्लायंस के डायरेक्शंस इश्यू किए गए थे ये डायरेक्शंस इन लोगों ने फॉलो नहीं किए इसलिए रेगुलेटर कौन है आरबीआई इज द रेगुलेटर आरबीआई ने फाइन लगा दिया तो नाबार्ड के कहने पर आरबीआई ने फाइन लगाया यहां से एक चीज और प्रूव होती है नाबार्ड इज नॉट द रेगुलेटर नाबार्ड इज द सुपरवाइजर

तो नाबार्ड के जो डिरेक्शन थे उनको फॉलो नहीं किया गया नाबार्ड ही यहां पे इंस्पेक्शन करेगी एंड देन आरबीआई को रिपोर्ट भेजेगी कोऑपरेटिव बैंक्स अर्बन और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स होती है हम रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स बनाने के लिए कौन से कौन से लॉ फॉलो करने पड़ते हैं पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 इसे फॉलो करना पड़ेगा दूसरा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 इसे फॉलो करना पड़ेगा जब फाइन लगाया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ही लगा गया, लगाया गया सेक्शन 47 और बाकी अदर सेक्शंस भी यहां पे इंक्लूड रहेंगे तो किसी भी बैंक के ऊपर जब आरबीआई फाइन लगाती है तो यही एक्ट फॉलो किया जाएगा चाहे कोऑपरेटिव हो चाहे कमर्शियल हो चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो ध्यान रखिएगा अगेन कोऑपरेटिव बैंक बनाते वक्त हम यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एज वेल एज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एज वेल एज बैंकिंग लॉज अप्लीकेशन इनको हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं uh, इंडिया की पहली कोऑपरेटिव बैंक वॉज अनन्या सहकारी मंडली 1889 एटी गुजरात में इसको क्रिएट किया गया था uh, वडोदरा के अंदर इसे बनाया गया था अनन्या सहकारी मंडली बट वॉज द फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया इंडिया की पहली बैंक कोऑपरेटिव बैंकों में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे दो तरीके से लोन प्रोवाइड किए जाते हैं कोऑपरेटिव के रूरल कोऑपरेटिव के शॉर्ट टर्म लोन का मतलब होता है अ शॉर्ट टर्म फ्रॉम वन टू फाइव इयर्स इज अ शॉर्ट टर्म लोन अंडर कोऑपरेटिव नॉर्मली शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है लेस देन वन ईयर पर जब कोऑपरेटिव की बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म का मतलब रहेगा टिल फाइव इयर्स और लॉन्ग टर्म का मतलब रहेगा अप टू ट्वेंटी इयर्स

ओला फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर ओला फाइनेंशियल सर्विसेज ये एनबीएफसी है ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ये कोई बैंक नहीं है पर अगेन ये भी एनबीएफसी ये भी फिनटेक कंपनी आरबीआई के रजिस्ट्रेशन के अंदर ही आती है इनके ऊपर भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर सब सेक्शन है जो एनबीएफसी के लिए इंप्लीमेंट किया जाता है उसी के अंदर यहां पर फाइन लगाया गया केवाईसी नॉर्म फॉलो नहीं किया इन लोगों ने के okay. तो यहां पे भी सेम है यहां पे भी सेम लॉ है बिकॉज़ उस लॉ में केवल बैंक नहीं एनबीएफसी के बारे में मेंशन किया गया तो ओला फाइनेंशियल सर्विसेज ओला मनी आपको पता है तो इन्होंने केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से कलेक्ट नहीं किए इसलिए 1.67 करोड़ का पेनल्टी यहां पे ओला फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर इंप्लीमेंट किया गया सेम एक्ट सेम सेक्शन सेक्शन 47 जिसकी हमने बात की थी ध्यान रखिएगा ओके okay? <coughs> चलो यस नेक्स्ट पॉइंट अब ये बहुत इजी पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है बॉश बॉश नाम की कंपनी आपको पता होगी बॉश इज द कंपनी वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस कंपनी बॉश की बात करेंगे 1886 में 1886 में ये कंपनी बनाई गई जर्मनी बेस्ट कंपनी है जर्मनी में इस अलग अलग क्रिएट करते हैं तो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में लोग काम करते हैं अब ये लोग इंडिया में 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी बात है गुड थिंग ना एफडीआई ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर ये 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर होगा ओरिजिनल पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर होगा इससे जॉब्स भी क्रिएट होंगे अगर ये पार्ट बाहर कंट्री में एक्सपोर्ट किए गए तो इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा और टैक्सेशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलेंगे तो जीत ही जीत है हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है तो बॉश इज द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम जर्मनी दे आर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट इक्विपमेंट अब इंडिया में कौन से इक्विपमेंट क्रिएट करेंगे ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी डिजिटल मोबिलिटी स्पेस में मोस्टली काम करेंगे इवन हमारी ई e वेहीकल्स के ओरिजिनल uh, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रीफिकेशन सिस्टम हो गया सो so उनका एक यूनिट अभी इंडिया के अंदर वो क्रिएट करने की बात कर रहे दो हजार तीस तक दे आर फोकसिंग ऑन इंटरनल कंबेशन इंजिन फॉर द फॉर द ई व्हीकल्स दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया यह अनाउंसमेंट किया गया सौमित्र uh, भट्टाचार्य जो मैनेजिंग डायरेक्टर है दैट्स इट ओके यस गाइज साढ़े ग्यारह बजे फाइनेंशियल समाचार का सेशन है उसे अटेंड करना मत भूलिए लेक्चर खत्म नहीं हुआ लेक्चर अभी भी है ध्यान दो यस yes. फाइनेंशियल समाचार में हमें बात करनी है रिटेल इंफ्लेशन सीपीआई कम हो गया है अच्छी बात है सीपीआई कम हो गया 7.01 परसेंट पे आ गया तो 7 परसेंट पकड़ लेते हैं सात परसेंट पे आ गया इट वॉज सेवन पॉइंट जीरो फोर परसेंट पे था इन द मंथ ऑफ इन द प्रीवियस मंथ अब थोड़ा कम हो गया मंथ ऑफ जून में और इवन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है स्टिल अभी भी महंगाई ज्यादा है महंगाई छह अभी भी छह परसेंट के ऊपर है तो एफर्ट्स अभी भी हमें लेने पड़ेंगे तो विल टॉक अबाउट दिस टू थिंग्स इन अवर फाइनेंशियल समाचार सेशन वहां पर हमारी बात होगी एक न्यूज जाने से पहले सिरम इंस्टीट्यूट सीरम इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, इन्होंने सर्वाइकल कैंसर को बचने के लिए वैक्सीन क्रिएट किया हुआ है इंडिया का पहला इंडिया का पहला इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर होता है ह्यूमन ध्यान दीजिए ह्यूमन पैपिलो मा वायरस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है जो अलग अलग कैंसर क्रिएट करता है सर्वाइकल कैंसर होगा एनल कैंसर 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 वुलर मोस्टली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर ये वायरस स्प्रेड होता है और जिससे अलग अलग सेक्सुअल ऑर्गन्स के कैंसर हो सकते हैं उनसे बचने के लिए वैक्सीन क्रिएट किया गया है अब उनको ड्रग ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी ड्रग कंट्रोल जनरल मिल गया तो फिर इसका मैन्युफेक्चरिंग स्टार्ट होगा इंडिया का पहला सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन वैक्सीन है जिसलिए इसकी बात होगी सिरम इंस्टीट्यूट आपको पता होगा अदर पूनावाला साहब उसके हेड है इंचार्ज है सर्वाइकल कैंसर <coughs> बेंगलुरु टू बिकम द फ्री ऑफ स्ट्रे डॉग्स बेंगलुरु म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड कर्नाटका एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री का अनाउंसमेंट है दैट बेंगलुरु विल बी अ फ्री ऑफ स्ट्रे डॉग्स जो रेस्तों uh, पर कुत्ते घूमते रहते हैं के, किसी के पेट डॉग्स होंगे तो ठीक है स्ट्रे डॉग्स होंगे तो उससे काफी बार इश्यूज भी आते हैं डॉग्स को भी इशू आता है और राह चलते हुए लोगों को भी इश्यूज आते हैं इसीलिए इनको निकाला जाएगा तो इंडिया का ये पहला सिटी बन सकता है जहां पे स्ट्रे डॉग्स नहीं दिखेंगे ऐसा अनाउंसमेंट कर्नाटक का गवर्नमेंट द्वारा किया गया मुंबई एंड दिल्ली टू कनेक्ट विद द इलेक्ट्रिक हाईवे यस गडकरी साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है मुंबई टू दिल्ली इलेक्ट्रिक हाईवे क्रिएट किए जाए तो ये बड़े बड़े ट्रक्स बड़ी बड़ी जो व्हीकल्स है ये इलेक्ट्रिक आ, आ, ट्रांजिशन के भरोसे ये चलेगी सो दैट वाज अनाउंस दिस इज द अनाउंसमेंट डन बाय रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी साहब Okay, अब यहां पे एक बात है इतना हाइड्रोलिक ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन के साथ इनकी मीटिंग हुई थी हाइड्रोलिक जो ट्रेलर्स है जो बड़े बड़े ट्रक्स है, उनके साथ कि मूवमेंट करने के लिए बेटर हो अब इसे कब तक लाया जाएगा यह अनाउंसमेंट या इसके ऊपर बात अभी तक गडकरी साहब ने नहीं की बट ड्रीम प्रोजेक्ट एंड वेरी सुन इट विल बी इंप्लीमेंटेड मुंबई टू दिल्ली दैट वाज अनाउंस बाय द रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नाउ ये फोटो आप देखिएगा दिस फोटो कौटिल्या इकोनॉमिक कॉन्क्लेव रिसेंटली इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था कौटिल्या इकोनॉमिक कॉन्क्लेव कौटिल्य चाइना के साथ की बात होती है वर्ल्ड के वन ऑफ द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट जिनको हम लोग कहते हैं उनके नाम पे इकोनॉमिक कॉन्क्लेव है के जो फिनेंस मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है आ, इसी कॉन्क्लेव के अंदर अरुण जेटली साहब के मेमोरियल लेक्चर को ऑर्गेनाइज किया गया था आपको याद है अरुण जेटली साहब के मेमोरियल लेक्चर में मोदी साहब का स्पीच हुआ था के इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर बात की गई थी वो इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के अंदर ही था 20 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस कॉन्क्लेव के अंदर पार्टिसिपेट किया दिस इकोनॉमिक कॉन्क्लेव और कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियाज फाइनेंस मिनिस्ट्री ये पॉइंट याद रखेगा एंड ट्वेंटी कंट्रीज के पार्टिसिपेंट यहां पर इन्वॉल्व थे न्यू दिल्ली के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था दैट इज द केस ठीक है डे सुपर कोचिंग को एक बार विजिट कीजिएगा सुपर कोचिंग में एनरोल करने के लिए पास ये कोड यूज करना मत भूलिए साढ़े ग्यारह बजे वापस एक बार मुलाकात होगी फाइनेंशियल समाचार के सेशन में और तब डिस्कस करेंगे बाकी बची हुई इकोनॉमिकल न्यूज के ऊपर तब तो तक तो के लिए बाय बाय टेक केयर सेफ रहिए सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा बाय